बिहार गया मोक्ष की भूमि पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। मौका था श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जयकारे का लगा रहे थे एक ही नाम, जय श्री राम। मानो गया अयोध्या नगरी बन गई हो। श्री राम नवमी पूजा समिति के बैनर तले गया के और आसपास के 105 स्थानों से शौर्य शक्ति संकल्प और संस्कार के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गया जी पावन भूमि पूरी तरह से राममय हो गई। केसरिया पगड़ी, केसरिया झंडा, केसरिया फटा, टोपी, राजस्थानी लाठी और परंपरागत हथियार थे पूरे जोश में ही। सुमन और उषा के साथ भक्त सर की सड़कों पर देर रात तक शोभा यात्रा में शामिल थे। वार्ड नंबर 36 सीटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों को पानी और गुलाब का फूल देकर विदा किया, जिससे दोनों समुदाय में आशीष सौहार्द बना रहा। मुनीम जी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हमीद हुसैन ने कहा कि ये खुशी का मौका है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जयंती की है। सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहूँगा कि इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए और राम के नाम त्योहार है। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? कार्यक्रम क्या है, यह खुशी का मौका है, इसमें हम सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी का त्यौहार पूरे जोश और खरोश से मनाई जा रही है। हम मेरे तरफ से, मैं डॉक्टर हामिद हुसैन मंदिर यहाँ के इलेक्टेड वार्ड काउंसिलर हैं, या और भी हमारे मोहल्ले के लोग, यहाँ शहर के वासी, इस हिंदुस्तान के लोग, उन सबों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो त्योहारें जो मैसेज दिया करती हैं, राम के नाम पर ये त्यौहार है, हमारी गुजारिश है सबों से कि राम की जीवनी को सभी लोग पढ़ें। वो पुरुष उत्तम राम थे, वो भगवान नहीं थे, यहाँ तक मेरी समझ, एक उत्तम पुरुष थे। और एक पुरुष का एक किरदार होता है, उसका सेल्फ होता है, उसकी फैमिली होती है, उसका समाज होता है, उसका घर होता है। तो ये सारी चीज़ों पर एक उत्तम पुरुष का क्या रोल होना चाहिए, एक मॉडल है, मॉडल के तौर पर उनकी जिंदगी को हम सभी लोग पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, हमारी गुजारिश है। और सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्वागत में क्या आप लोग कर रहे हैं? हमारे तरफ से, इस मोहल्ले के तरफ से भाई स्वागत क्या है, हम लोग उनके आगमन में उनका इस्तकबाल करते हैं, आपसी सौहार्द बना रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो पानी है, जो जल है, जो हम लोग उनको प्रेजेंट करेंगे, फूल है जो खुशबू फैलाती है, वो देंगे। और अब सब लोगों का स्वागत है इस मौके पे, इस गवल विभा में। मैं इस मस्जिद का अध्यक्ष भी हूँ, उस हैसियत से भी, इस मोहल्ले का एक उम्रदराज, अब तो मैं कहूँगा उम्रदराज शख्स के हैसियत से भी, सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी लोग अपने त्यौहार बड़ी खुशी से मनाएं। उनको क्या मैसेज दीजिएगा जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बात? मैंने तो इतना ही कहा कि उनको नहीं, मैंने सभी को कहा कि हिंदू और मुसलमान सभी राम जी का जीवनी को पढ़ें और अपने ज़िंदगी में उतारें। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हामिद हुसैन। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज़।